कंप्यूटर टेक इन हिंदी के पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैजान। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का ये हमारा पहला वीडियो है। तो आप पहले वीडियोज में आज हम बात करेंगे कि पावर पॉइंट होता क्या है और पावर पॉइंट के थोड़े इंट्रोडक्शन के बारे में। तो पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है। जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप इंस्टॉल करते हैं तो पावर पॉइंट भी उसके साथ में इंस्टॉल होता है, और एक्सेल, वर्ड, ये सब चीज़ें ऑफिस के साथ में इंस्टॉल होती है। तो आप इसको पावर पॉइंट को ओपन कर लीजिए। स्टार्ट बटन में आएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में आएंगे यहाँ, और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का एक फोल्डर होगा, उस पर क्लिक करेंगे और ये पावर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर और भी बहुत सारी एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ में आती है, लेकिन यूज़ में जो ज़्यादा आती हैं वो एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसका हम ट्यूटोरियल बना चुके हैं। आप अगर वर्ड सीखना चाहते हैं तो आप उससे सीख सकते हैं हमारे ट्यूटोरियल से। और एक्सेल भी, एक्सेल की भी हमने वीडियोस बना दी हैं और डाल भी चुके हैं यूट्यूब पर, आप एक्सेल भी देख सकते हैं। और आज हम पावर पॉइंट शुरू करेंगे, तो क्लिक कर लेते हैं इस पर डबल क्लिक, तो ये खुल जाएगा। तो ये पावर पॉइंट का इंटरफेस है कुछ इस तरह का। पावर पॉइंट में स्लाइड एनिमेशन का ही वर्क होता है, मतलब अपने जो भी आपका टॉपिक है उसके ऊपर अच्छे अच्छे स्लाइड्स बनाकर उसको एनिमेशन के साथ प्ले करना, ये पावर पॉइंट में होता है। तो पावर पॉइंट में अधिकतर कमांड जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की और एक्सेल की है, मतलब वहाँ से बहुत सारी कमांड्स ली गई हैं, लेकिन फिलहाल हम आज इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये जो सबसे ऊपर रेड कलर की पट्टी आ रही है, वैसे ये ग्रे आती है, तो ये एक एजुकेशनल वर्जन है। तो ये 30 डेज से ऊपर होने के बाद ये इस तरह की पट्टी आने लगती है, और ये मैं एजुकेशनल वर्जन में ही बता रहा हूँ। एजुकेशनल वर्जन या ख़रीदने के बाद इतना खास कुछ अंतर नहीं आता है, बस ये इस तरह का मैसेज दिखाता है और कुछ नहीं, सब सेम होता है, बिल्कुल सेम, ओरिजिनल में भी और एजुकेशन वर्जन में भी बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, ये ऊपर के टाइटल बार है, और ये वाली मेन्यू बार भी कहलाती है, टैब्स भी कहलाते हैं, टैब भी कह सकते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ट्रांजैक्शन टैब, या इनको आप मेन्यू बार बोल सकते हैं, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, डिज़ाइन मेन्यू। और हर मेन्यू को क्लिक करने पर कुछ कमांड्स खुल रही है, ये सब कमांड्स हैं, ये एक सिंगल कमांड है, ये एक सिंगल कमांड है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये कमांड्स कहलाते हैं। सब बहुत सारे कमांड्स हैं इसमें, देखिए यहाँ होम के अंदर कितने सारे हैं, उतने ही सारे इंसर्ट में भी है, और डिज़ाइन में भी है, और ट्रांजिशन में भी है, एनिमेशन में भी है, स्लाइड शो में भी है। आपके मेन्यू आपने देखे होंगे कुछ चेंज हो गए हैं, पहले ये नहीं थे, वर्ड और एक्सेल में कुछ और थे, वर्ड में अलग थे, एक्सेल में अलग थे, और पावर पॉइंट में भी ये अलग हो गए हैं। और बहुत सारी कमांड्स मिलकर एक ग्रुप बनता है, जैसे कि ये क्लिपबोर्ड ग्रुप की कमांड्स हैं, और ये स्लाइड ग्रुप की कमांड्स हैं, ये फॉन्ट ग्रुप की कमांड है, ये पैराग्राफ ग्रुप की कमांड्स हैं, और ये ड्राइंग ग्रुप्स की। और ये साइड में एक स्लाइड पेन होता है, जितने भी आपने बहुत सारी अगर स्लाइड ले रखी होंगी, जैसे कि ये न्यू स्लाइड का ऑप्शन है तो हम एक और ले लेते हैं, तो जितनी भी स्लाइड ले रखी होंगी उन सबको ये यहाँ पर लिस्टेड दिखाएगा। अब जैसे ये यहाँ प्रीव्यू तो एक का ही दिखा रहा है, तो अगर आप पहली वाली देखना चाहते हो तो यहाँ से, दूसरी देखना चाहते हैं तो यहाँ से। तो ये स्लाइड प्रीव्यू है, या हमारी स्लाइड बोल सकते हैं उसको, स्लाइड है ये हमारी, ठीक है। और नीचे ये स्लाइड नोट है, हर स्लाइड के लिए अलग नोट लिखा जा सकता है, जैसे कि मैं अभी दो पर क्लिक किया हुआ है, ये दो के लिए नोट लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं फर्स्ट पर आ जाता हूँ तो फर्स्ट के लिए कोई नोट नहीं लिखा हुआ है, फर्स्ट के लिए भी देखिए मैंने अब नोट टाइप कर दिया, तो दूसरे पर आता हूँ तो दूसरे का नोट दिखेगा। तो ये स्लाइड नोट्स होते हैं। और ये वाली सबसे नीचे जो होती है, ये स्टेटस बार होती है, ये बताती है आपने कितनी स्लाइड्स बनाई हैं। अब ये कह रहा है आपने दो स्लाइड्स बनाई हैं, जिसमें से पहली पर आप हैं, ठीक है। और ये व्यूज़ होते हैं कि आप सारी स्लाइड्स को इस तरह से, जिस तरह से अब दिखाई दे रही है, नॉर्मल व्यू में रखना चाहते हैं, या सारी स्लाइड एक साथ दिखाई दे इस तरह से, या इस तरह से देखना चाहते हैं फुल स्क्रीन, एस्केप का बटन दबाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जूम कर सकते हैं, हम इस स्लाइड को जूम भी कर सकते हैं। ये F1 दब गया, F1 हमेशा हेल्प के लिए होता है, अगर किसी प्रोग्राम के अंदर दबाएंगे तो हेल्प खुल जाएगी उस प्रोग्राम की, अगर बिना प्रोग्राम के दबाएंगे तो विंडोज़ की हेल्प खुल जाएगी, मतलब विंडोज़ में जितने भी शॉर्टकट वगैरह होते हैं वो सब बता देगा, ठीक। और ये जो ये इधर होता है छोटा सा, ये जूम पैनल होता है, इसको हम जूम कर सकते हैं,
अपनी स्लाइड को और जूम कम कर सकते हैं। अधिकतर इसको हम 100% रखते हैं ताकि हमारी पूरी स्लाइड हमें दिखाई दे, ठीक है। और ये स्लाइड को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार होती है, ये दूसरी स्लाइड पर आ जाएगी और यहीं से पहली पर भी जा सकते हैं या फिर इसकी मदद से भी जा सकते हैं। इसकी मदद से जाना ज़्यादा आसान हो जाता है और यहाँ से जाने में थोड़ी परेशानी होती है। और अगर हम इसे जूम कर लेंगे तो एक स्क्रॉल बार नीचे भी आती है, ये देखिए ये वाली, ये जो ये अबाई है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहलाती है और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार कहलाती है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में। और यहाँ पर एक मिनिमाइज बटन होता है सॉफ्टवेयर को थोड़ी देर के लिए टास्क बार में स्टोर करने के लिए। टास्क बार ये नीचे की ब्लू पट्टी होती है, तो सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए ताकि हम कोई दूसरा वर्क कर सके, जैसे कि मैं माय कंप्यूटर खोलना चाहता हूँ तो उसको खोल सकूँ, ठीक है। उसके बाद इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, यानी बड़ा होकर स्क्रीन पर आ जाएगा। और हम चाहते हैं ये थोड़ा छोटा होकर स्क्रीन पर आए तो रिस्टोर कर सकते हैं हम इसको, और वापस ये रिस्टोर का बटन जो है अब मैक्सिमाइज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैक्सिमाइज हो गया है। और ये क्लोज करने के लिए होता है। आपकी ये जो है ये रिबन जो है, इसको हम रिबन बोलते हैं पूरे को, जिनमें सारी कमांड्स होती हैं, जैसे ये होम का रिबन है, ये इंसर्ट का रिबन है, इंसर्ट टैब का, ये डिज़ाइन टैब का रिबन है, तो हम इन सबको रिबन बोलते हैं। बहुत सारी कमांड्स के एक ग्रुप को इसको रिबन बोलते हैं। और हम इस रिबन को मिनिमाइज कर सकते हैं इस बटन से, ये जो साइड में बटन है, और वापस इसी से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बाय चांस ये चला जाए, मतलब मान लीजिए ये आपसे चला गया, तो ये कंट्रोल F1 से, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल F1, उससे वापस आ जाता है और उसी से चला भी जा सकता है, ठीक है, कंट्रोल F1। या आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, डबल क्लिक कर देंगे तो वो चला जाएगा। किसी पर भी, ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग पे ही करना है, किसी एक पर भी डबल क्लिक हो जाता है धोखे में तो वो मिनिमाइज हो जाता है, डबल क्लिक करेंगे तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। और इसमें स्लाइड वर्क होता है, स्लाइड वर्क ऑफिस में अगर आप काम करेंगे और कोई बात आपको ऑफिस में सारे स्टाफ को समझानी होगी तो स्लाइड में बनाकर समझाने से ज़्यादा आसानी से उनकी समझ में आ जाती है, ठीक है। ये नहीं पेपर पेंसिल काले करेंगे, उसमें थोड़ी मेहनत लगती है। अगर आप किसी ऑफिस मीटिंग में जाओगे तो वहाँ पर आपको स्लाइड पर ही समझाया जाएगा और प्रोजेक्टर के थ्रू समझाया जाएगा। प्रोजेक्टर से कंप्यूटर कनेक्ट कर लिया जाता है, स्लाइड उस पर दिखा दी जाती है, वो सारा वर्क पावर पॉइंट में होता है। अब हम इसको चलाना सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो से। चलिए इसको बंद करते हैं, डोंट सेव पर क्लिक कर। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।